सोनी टीवी के सीरियल अपनापन में आज पल्लवी को छोड़ना पड़ रहा है अपना घर। इसी के चलते वो हो रही है इमोशनल। असल में सोनाली की शादी निखिल के साथ हो गई है। ऐसे में पल्लवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि वो उस घर में रहे, इसीलिए उसने फैसला किया है घर छोड़कर जाने का। उसके घर छोड़कर जाने से उसकी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो तो इमोशनल हो रही है और साथ ही अपनी बहुरानी को रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन पल्लवी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही और अपना बोरी बिस्तर लेकर वो घर से जा रही है। ऐसा है कि निखिल और सोनाली की शादी हो चुकी है, तब अब पल्लवी को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं किसी और के घर में, अब ये घर उसका नहीं रहा है, तो वो अब दूर जाना चाहती हैं क्योंकि वैसे भी उसने बहुत कुछ झेला है, तो अब कुछ पल वो खुद के साथ बिताना चाहती है सबसे अलग। अब पल्लवी जब घर से घर छोड़कर जा रही है, जाहिर सी बात है कि दुख, वो रोकना चाहती भी हैं, लेकिन वो भी समझती हैं कि अब इस घर में पल्लवी का कुछ रहा नहीं, और जैसे कि पल्लवी अपनी ज़िंदगी अब अकेले बिताना चाहती है, तो उसने भी ये मंजूर कर दिया है। खैर, वो पल्लवी हमेशा के लिए नहीं जा रही, जैसे पल्लवी कह रही है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, तो कुछ वक्त अपने साथ बिताने के लिए पल्लवी अब घर से जा रही है। वो आगे के एपिसोड्स आप देखिए अपनापन। फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आप दिवाली आप अच्छी तरह से मनाइए। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली, और खुशियाँ मनाइए और देखते रहिए अपनापन। भाई पल्लवी ये घर छोड़कर जा तो रही है, लेकिन जाने से पहले उसने सोनाली से आखिरी बातचीत भी की, जहाँ पर दोनों के बीच दिखी टशनेबाजी भी। एक ओर पल्लवी सोनाली की ममता पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोनाली पल्लवी को यही बता रही है कि वो अपने बच्चे के लिए आई है। हालांकि पल्लवी सच जानती है कि सोनाली यहाँ निखिल के लिए आई है, ना कि अपने बच्चे के लिए, और मौका पाते ही वो निखिल के साथ अपने बच्चे को छोड़कर वापस चली भी जाएगी।